हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज एंड द टॉपिक इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। बोलो चाहे आप चाहे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलो। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको डेफिनेशन के बारे में बताती हूँ कि एक्चुअली में कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं? कुछ लोगों की वॉलेंट्री एसोसिएशन होते हैं। वॉलेंट्री मीन्स जब कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार, वॉलेंट्री मीन्स अपनी इच्छा अनुसार एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। किस लिए? एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे का वेलफेयर करने के लिए कुछ लोग आपस में जुड़ते हैं, तो वो कहलाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका मेन मोटिव क्या होता है? म्यूचुअल वेलफेयर, यानी एक दूसरे की, अपने मेंबर्स की हेल्प करना, वेलफेयर करना, इनका मेन मोटिव होता है। इट इज़ नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं बनाई जाती है, ये म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनका मोटिव होता ही नहीं अर्न करना, ठीक है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, बट जो प्राइमरी मोटिव है वो है वेलफेयर करना। उसके बाद सेकेंडरी मोटिव हमारा आता है अर्निंग प्रॉफिट। इसमें मिनिमम मेंबर्स जो है कितने चाहिए होते हैं? 10, यानी अगर 10 मेंबर्स हैं तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। मिनिमम 10 से कम लोग नहीं बना सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, यानी आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, आपको कराना ही पड़ेगा अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ठीक है। ये इसका एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कैपिटल, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैपिटल कहाँ से आती है, कौन कंट्रीब्यूट करता है? कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई इट्स मेम्बर्स, जो 10 लोग हैं या जो 10 से ज़्यादा लोग हैं वो सब लोग मिलकर आपस में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, क्यों बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप इंडिविजुअली कोई मार्केट में चीज़ लेने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो आपको वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। बट तो इसलिए इसमें क्या किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ लोग आपस में मिलकर वॉलेंट्रली, यानी अपने इच्छा अनुसार, अपने कॉमन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपस में मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, एक एसोसिएशन बना लेते हैं, और वो जो भी सामान उनका होता है वो खुद जो है डायरेक्ट होलसेलर से लेते हैं, ठीक है, बल्क में लेते हैं। क्योंकि सिंगल आप इंडिविजुअली कोई एक चीज़ खरीदें आपको कॉस्टली पड़ेगी, बट अगर बीच के मिडल मैन हटा दिए जाएं, डायरेक्ट आप काफ़ी क्वांटिटी में होलसेलर से खरीद रहे हैं कोई सामान, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी वो चीज़। तो इसलिए बनाई जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आगे हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका फर्स्ट फीचर है वॉलंटरी एसोसिएशन, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था। वॉलंट्री यानी अपनी इच्छा अनुसार इसमें मेंबर्स ऐड हो सकते हैं। एनी पर्सन कैन जॉइन और लीव इट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपने विल के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान इसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है जब उसका मन करे, या लीव मतलब उससे छोड़ सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी मर्जी से। बस उसके लिए उसको एक नोटिस देना पड़ेगा रिटर्न में, और कुछ नहीं। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल मेंबर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और रिलीजियन। मेंबरशिप सबके लिए ओपन होती है, चाहे कोई भी आके मेंबर बन जाए, चाहे किसी भी कास्ट का इंसान हो, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी आकर मेंबर बन सकता है अगर उसका इसमें कॉमन इंटरेस्ट है तो। सेकेंड पॉइंट इज इक्वल वोटिंग राइट्स। अब इक्वल वोटिंग राइट्स क्या कह रहे हैं? वन मैन इज इक्वल्स टू वन वोट, यानी एक इंसान, एक इंडिविजुअल को सिर्फ एक वोट देने का राइट है, एक ही वोट वो दे सकता है। एवरी मेंबर गेट ओनली वन वोटिंग राइट इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। चाहे उसने कैपिटल 1 लाख लगाई है, चाहे 1 करोड़ लगाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक इंडिविजुअल को सिर्फ एक ही वोटिंग राइट मिलेगा, कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। थर्ड पॉइंट आपका है सर्विस मोटिव, ठीक है। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इनका मोटिव क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया था। सर्विस प्रोवाइड करना मेन मोटिव क्या है? वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स का वेलफेयर करना, म्यूचुअल हेल्प करना।
अर्निंग प्रॉफिट जो है सेकेंडरी मोटिव आता है, ठीक है, मतलब पहले मेन इनका एम ये है, अर्निंग प्रॉफिट बाद में है. फोर्थ पॉइंट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. आप लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा लिया, तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाएगी. सेपरेट मतलब अलग से एक लीगल एंटिटी, लीगली जो है सेपरेट हो जाएगी वो अपने मेंबर से. कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम्स सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी सेपरेट मतलब अलग अलग होना. कोऑपरेटिव सोसाइटी और मेंबर्स दोनों अलग माने जाएंगे, ठीक है, दोनों एक नहीं माने जाएंगे. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई मेंबर फ्रॉड करता है तो उस मेंबर को सू कर सकता है कोई थर्ड पार्टी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोई केस नहीं होगा क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी और मेंबर्स अलग हैं. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉड करती है तो उसके मेंबर्स अलग हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे केस चलेगा मेंबर्स पर नहीं. ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है, बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, मतलब अपने खुद के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है या बेच सकती है, ठीक है. मेंबर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मेंबर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी दो अलग अलग चीजें हैं. किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या इनसॉल्वेंट, उसके पास बिल्कुल जीरो बैलेंस हो जाए एकदम, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोऑपरेटिव सोसाइटी को. किसी भी मेंबर की अगर डेथ होती है तो डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी, वो ऐसे की ऐसे ही चलती रहेगी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी. सपोज आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 15 लोग हैं, ठीक है, 15 मेंबर्स हैं, उनमें से अगर एक की डेथ हो जाती है तो बाकी जो 14 बच गए वो अपने इसको कंटिन्यू करते रहेंगे सोसाइटी को. एक की डेथ होने से या इंसॉल्वेंसी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी एग्जिस्टेंस को. आगे हम पढ़ते हैं. लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. आपके जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम, यानी इनकी जिम्मेदारियां सिर्फ कहाँ तक है, जितनी उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है, जितनी कैपिटल दी है उतनी ही इनकी जिम्मेदारी है बस. देयर पर्सनल एसेट्स आर नॉट लायबल फॉर पेइंग ऑफ डेट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई लॉस हो जाता है या डेट्स कुछ देने पड़ते हैं, ठीक है, तो जो मेंबर्स होंगे उनके पर्सनल एसेट्स से कोई लेना देना नहीं है. अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर उसको किसी को 10 लाख रुपीज देने हैं, ठीक है, तो मेंबर्स आपका जो है, सपोज आपने 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया था स्टार्टिंग में, जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, तो आप कितना रिस्पॉन्सिबल होंगे, सिर्फ 1 लाख तक. 1 लाख के ऊपर एक रुपया भी आप नहीं देंगे आपके पर्सनल एसेट्स को बेचकर, आपको कोई लेना देना नहीं है. सिर्फ आपने जितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी थी आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. तो इसमें मेंबर्स जो है इस चीज को लेके काफी सेफ है, उनको सिर्फ उनकी कैपिटल जितना ही रिस्क उठाना पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.